अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो आपको वो डैप करने के लिए प्रॉब्लम होगा, लिटरली आपको वो रब करना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर यूट्यूब माय चैनल, माय नेम इज ऋषा विचारिया एंड आई मेक वीडियोस रिगार्डिंग ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल एंड चैलेंज वीडियोस। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो बाय द थंबनेल एंड टाइटल यू हैव गॉट टू नो व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। और अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सो आई थॉट टू मेक अ क्विक मेकअप वीडियो। आई एम नॉट दैट प्रो इन टू मेकअप, बट इफ़ यू आर अ बिगनर एंड यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विथ यू, बट थोड़ा सा मेकअप अच्छा लगता है रेडी होने के लिए, तो यू कैन फॉलो दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब भी करना। एज यू सी, मैंने अभी कुछ किया नहीं है फेस में, ओनली फेस वॉश किया है। सो फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मेकअप हम लोग कैसे जाएंगे, पूरा ये वीडियो में मैं बताऊँगी। तो लेट स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट डिले इट। एंड या, so as you can see there is no makeup applied on my face right now. I will completely do it from scratch in front of you. I also don't know how it will be turning out, but yes. So हमेशा आई रिकमेंड के आप पहले मॉइस्चराइज़र या कुछ तो लगा लो आपके फेस पे, सो दैट आपके स्किन से डायरेक्ट मेकअप का कांटेक्ट ना हो। अगर आपको पिंपल या कुछ प्रॉब्लम हो फेस पे, तो बेटर इज़ कि आप कुछ लगा लो, वेदर इट कैन बी एनी मॉइस्चराइज़र वर्किंग फॉर यू या फिर कोई जेल या क्रीम हो तो वो लगा लो। फॉर प्राइमर आई एम गोइंग टू यूज़ लॉरियल का बेस मैगी क्यू। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट इट इज़ हाउ द स्पेलिंग इज़, ट्रांसफॉर्मिंग स्मूदिंग प्राइमर। तो ये मुझे एक इवेंट में मिला था जो अभी तक चल रहा है, तो आई एम यूजिंग दिस प्राइमर। इन दिस केस यू कैन यूज़ एनी अदर प्राइमर, यू कैन यूज़ मेबलिन और यू कैन यूज़ शुगर का प्राइमर, विच इज़ अगेन अ गुड कंपनी। देन यू कैन यूज़ लॉरियल के प्राइमर, यू कैन गो विथ दिस प्राइमर, बट दिस इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, इट कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज़। तो डेली मेकअप के लिए आई रिकमेंड डोंट गो विथ इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही महंगा हो जाएगा। बट यू कैन गो विथ मेबलिन शुगर और एनी अदर प्राइमर, इट इज़ ऑल अवेलेबल ऑन नायका और एनी स्टोर, यू कैन गो एंड परचेज इट, बट अच्छे क्वालिटी का लेना। I will use brush to smudge it off rather than doing with hand, because already इतने acnes है, so I will prefer not to go with hand. And थोड़े से rough है brush, so I will spray some rose mint spray. In case you can use rose water on it. So this is Moha's rose mint for instant freshness. It contains rose plus aloe vera, so I will use that as wet my brush or wet my what we say beauty blender, and see how beautifully it just blends it with my face. So na camera mein itna acche se nahi dikh raha hai, so I will use mirror for it, and at some places I need to blend it properly. You can instead use beauty blender or your hands, whatever you are comfortable with. And I guess I am done. We'll just smudge it off with my hands. If my acne are covered, phone mein to abhi dikh nahi raha hai, to you can also see, but in reality agar main mirror mein bhi dekhu to bahut acne hai jo wo dhak gaye hai. After this, so second step is concealer. So I will do orange like under my eyes, so that the dark circle settles down, and near my the lips it is not that dark, so I will go with my the skin tone ka jo shade ka concealer hoga. For concealer I am using Insight ka pro concealer palette. It is available on Nykaa, Amazon or on Flipkart. It around costs you around 300-350 I guess. So it is basically very affordable for any beginner to go with. And again I will use my pal mirror, blend it with my beauty blender. Again I will just wet it and use it. So you can go with beauty blenders, you can purchase it from Zudio ke beauty blenders bhi acche hote hain. You can also purchase it from DIY ke kuch beauty blenders acche hote hain. I am not sure sabke, but jo maine kharide hain wo definitely acche hain.
आई मीन जो मुझे मिले हैं वो तो अच्छे हैं ही, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम लोकल स्टोर बट इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड, वेरी सॉफ्ट. मेक श्योर योर ब्यूटी ब्लेंडर्स आर सॉफ्ट सो दैट इट इज़ वेरी इजी टू डैप अराउंड योर फेस. अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो आपको वो डैप करने के लिए प्रॉब्लम होगा, लिटरली आपको वो रब करना पड़ेगा आपके फेस में, सो दैट इज ऑफ नो यूज. सो बेटर परचेज द ब्यूटी ब्लेंडर विच आर सॉफ्ट एंड ईजी टू डैप. And you can also buy the small beauty blenders which are available for your under eyes or for the areas जहाँ छोटे छोटे portion होते हैं rather than going with the big ones. It is easily available everywhere now. You can find it on Meesho as well. And one portion of my side, this side is done. You can see थोड़ा सा difference दिख रहा है between the darkness of my eyes are literally little low. And you can see the difference, the darkness of under eyes has literally gone little low. So coming to the foundation, first I was using Lakme ka foundation, which is I guess the not actual Lakme, I'm not sure if it is the actual one, but this was the Lakme foundation I was using. It was working on me, but recently I have switched to the new one. मैंने अभी नया foundation खरीदा है, which is the Maybelline's foundation, the new one which was launched recently, Stay Hydrated का, जिसका cap purple color का है. So I got this one. It costs around 800 I guess, but depend करता है हर किसी के skin tone पे, but it is very very nice as compared to the local brands या local जो duplicates आते हैं उसके compare में the packaging, the quality is very good and application wise भी it is very easy to use. थोड़ा liquidy है I know, but इतना thick नहीं है, but it is very easy and convenient to use it on your face. I will apply it all over my face. So I buyed it from mall. तो वो लोगों ने पहले मुझे अपने face पे लगा के दिखाया and after that only I decided to go with it and I do not regret. But yes, it is little expensive but worth buying it. So I was planning to go with the sugar one, but on second thought I decided ke let's try some other brand as well. So I went with the Maybelline and she showed me this and at one go I liked it. And I ye haath se bhi easily dab hota hai, dab it around and you can see how magically it is working. एकदम मस्त है इसका कवरेज, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे या ज़्यादा हार्शली रब करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डैप करने से वो डैप हो जा रहा है. सो आई वुड सजेस्ट टू गो विथ लोकल ब्रांड या लो क्वालिटी या सस्ता वाला फाउंडेशन लेने से अच्छा है एक ही बार में ले लो, चलेगा भी, क्वान्टिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गुड. आई गेस वी आर गुड टू गो विथ द फाउंडेशन. थोड़ा सा नेक एरिया पे भी लगा लेना सो दैट इट मैचेस विद द फेस एंड बोथ मैचेस. आई विल जस्ट लुक इट इन द मिरर. शुगर पॉप लिपस्टिक विच आर अगेन वेरी पिंकी एंड मैट फिनिश. आई विल शो यू अस वॉच ऑफ इट. दिस इज़ हाउ इट लुक्स, बट इट इज़ टू डार्क फॉर माई स्किन. आई विल अप्लाई इट लिटिल ऑन माई फेस. सी थोड़ा सा लगाने के बाद भी इतना पिंक पिंक हो गया वो. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द व्हेन यू अप्लाई अ स्टिक वाला लिपस्टिक ऑन योर फेस एंड इफ यू अप्लाई अ लिक्विड मैट लिक्विड वाला लिपस्टिक ऑन योर फेस. बहुत जल्दी से वो सूख जाता है और ऐसा चिपक जाता है, तो उसको ब्लेंड करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है. सो आई रिकमेंड नॉट टू गो विद द लिक्विड वन, एंड इफ़ यू आर गोइंग विद द लिक्विड वन जल्दी से ब्लेंड कर लो. आई थिंक इट इज़ गुड नाउ. सो मैंने अभी लिक्विड ब्लश लगाया है तो आई विल अप्लाई द पाउडर ऑन इट. बट ऑलवेज रिमेंबर इफ़ यू गो विद द पाउडर ब्लश, गो विद फर्स्ट डू द पाउडरिंग ऑफ योर फेस एंड देन अप्लाई द पाउडर ब्लश रादर देन अप्लाइंग पाउडर ब्रश. पहले फिर पाउडर लगाओगे कॉम्पैक्ट पाउडर तो वो ब्लश उड़ जाएगा पूरा, दिखेगा नहीं वो. सो बेटर है नाउ अ क्विक हैक. I will not apply the compact powder or any banana powder. I will apply pond powder because it works for my face. It is kind of banana powder. So ये ऐसे लगता है जूडियो का जो loose powder है वही है ये pond powder भी. So it is a nice tip. You can try it.
अगर आपको लगाना है पॉन्ड्स पाउडर थोड़ा ज़्यादा लास्ट करता है फेस पे, सो यू कैन जस्ट टेक अ लिटल बिट एंड, और फ्रेग्रेंस भी अच्छा है, ज़्यादा वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है, सो यू कैन यूज़ पॉन्ड्स पाउडर, स्पिंक्स पाउडर, इट इज़ अ काइंड ऑफ लूज पाउडर और बनाना पाउडर इटसेल्फ, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में, बस जूडियो का पाउडर में जूडियो की ब्रांडिंग है, इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं, और थोड़ा स्वेटिंग ज़्यादा कंट्रोल करता है वो. सो आई गेस आई एम रेडी विद द बेस, नाउ वी विल डू द आई लुक. फॉर आई शेडो आई विल यूज़ दिस शेड, आई डोंट थिंक यू कैन सी इट प्रॉपरली ऑन द कैमरा, बट आई विल यूज़ दिस वन. द शेड नेम इज सीक्रेट, I don't know what secret it consists of, but yeah, the base makeup I will do a little dark, little light, and then on that I will use the darker tone, and again I will use my brush, avoiding hand, और आप आई शेडो कैसे भी लगा सकते हो, आपको जैसे जमता है, ऐसा कुछ है नहीं कि एक ही ऐसे गोल गोल घुमाओ या फिर ऐसे करो, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जमता है वैसे करो, बस अच्छा करो. आई होप यू कैन सी द आई शेडो. ओके, आई विल नॉट अप्लाई टू मच ऑफ इट बिकॉज इट शुड बी लुकिंग सटल, एंड देन आई विल यूज़ अ लिटिल डार्कर टोन इनसाइड दिस आईज के जो ये पार्ट होते हैं उधर, सो दैट इट लुक्स लिटिल प्लेइंग विथ कलर्स. यू कैन सी आई विल यूज दिस द डार्कर वर्जन ऑफ द पिंक शेड, और मे बी आई विल यूज दिस, इफ यू कैन सी दिस वन, इट इज लव बाइट टू माई आई. द इट इज काइंड ऑफ ब्रिंजल का पर्पल शेड में है कुछ तो, एंड the inner portion of the eyes are little dark and the outer portion is little light, and yeah, will good. So the next one, if you like to apply mascara you can go with mascara, if you want to apply liner you can apply liner. I will avoid liner because mera jo eyeshadow hai wo zyada dikhega nahi, because liner is little thick, but for liner option you can, agar zyada mehanga nahi chahiye, you can go with the inside ka waterproof liner. So for now I will do my lashes, I guess. So for lashes I have Maybelline ka hyper curl waterproof mascara. It is a good mascara as compared to any other. You can see the difference of this eyelashes and the difference of this. यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे नहीं लगाया, तो ये थोड़ा डार्क और वॉल्यूम ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पे नेचुरली वैसे ही है. सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड वन टू इन्वेस्ट ऑन. आई डोंट नो वॉट दिस कॉस्ट फॉर, बट इट इज़ अ गुड वन. I am not going to apply actual highlighting on my face, but I will use this Zudio ka new product, which new nahi hai, bahut pehle aaya tha, but for me it is new, maine abhi recently kharida hai. It is a cheek shine which is in rose gold, aur iska application bhi bahut easy hai, iske aise tubes mein mascara bhi aaya hai. So Zudio also kind of have a lot of good products in terms of mascara, in terms of eyeliner, lipstick. So yeah, this is how the packaging is. It is in a tube form, or it is very good. I genuinely like it. अभी मुझे पता नहीं ये दिखेगा या नहीं on camera, एकदम चमक रहा है. So I will use this on my cheeks, and it is affordable, 149 rupees का आई है, तो you can use it. Normally भी आपको किधर बाहर जाना है और ज़्यादा ऐसा कुछ लगाना नहीं है, तो you can go with it. Just एक दो तीन ऐसे लगाओ दोनों साइड पे, और ये तो हाथ से भी ब्लेंड हो जाता है, तो विच इज अगेन अ गुड पार्ट. चमकू चमकू विल शाइनी ऑन माय चिक एरिया, सो इट इज गोइंग विद द मेकअप लुक. दिस आर द लिपस्टिक ऑप्शंस आई हैव, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम जूडियो, एंड एक है वेस्ट साइड से, एक है शुगर पॉप की, और एक है मेबलिन की, और बाकी सब है वो है जूडियो की, विच आर ऑल इन ब्राउन कलर.
So I have this many brown lipstick for some reason, and only this is which is in pink color. I would avoid to go with pink, so I will go with the brown shade, a little darker one. So recently I purchased this Zudioka lipstick, and this is how it looks on the hand. इसका एप्लीकेटर इज गुड फॉर दिस, बट आई फील ये भी एक पॉइंट के बाद पता नहीं इफ अगर वैसे स्मेल करने लगेगी देन आई विल स्टॉप यूजिंग लिपस्टिक फ्रॉम Zudio. नाउ आई विल शो यू दिस वन ऑल्सो, इट इज फ्रॉम वेबसाइट. तो दिस इज ऑल्सो इन अ ब्राउन शेड, बट इनका एप्लीकेशन वाइज एंड द स्मेल वाइज इट इज़ नॉट लाइक Zudio. क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी ही है इनकी, and it costs for around 200 rupees. See, it is almost kind of Zudio jaisa hi hai color, but thoda sa alag, it is thoda sa in pinky shade. So we will apply this also a little bit so that it gives a pinky kind of what we said lips pe. This is how my makeup looks. Abhi ek hi cheez missing hai, which is bindi, and then we are ready to go with the look. ओके, सो एक्सेसरीज पहन लो आप आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग, वेयर बैंगल्स, वॉचेज, वॉट एवर इज कम्फर्टेबल टू यू, एंड यू आर गुड टू गो. दिस इज हाउ माई मेकअप लुक्स. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वेर अंडर 1000 rupees, बट या आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब. रेट माई मेकअप इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ you like this video, do like, share, comment and subscribe to my channel.